तो बच्चों आज हम बात करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 11 मैथ क्लास 9th जो कि आपको 29 दिसंबर यानी कि आज प्रोवाइड की गई है। ये आपका 20 मार्क्स का टेस्ट है, 20 नंबर का टेस्ट है, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट क्वेश्चन और साथ में इनके आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बहुपद एक्स की पावर 4 - 2x³ +5x² + 7 में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो एक्स स्क्वायर देखो किस नंबर के साथ ऐड है, तो ये है 5x के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हमें केवल 5x² को देखना है, बाकी किसी को देखना नहीं है। तो इसके साथ नंबर क्या मिला, +5 तो प्लस लिखा नहीं जाता, हाइड होता है, 5 हमारा आंसर है, ठीक है ना। अगर क्यू पूछते तो क्यू वाले नंबर के लिए हम ये देखते हैं -2 आता आंसर, ठीक है, क्योंकि उसके साथ -2 नंबर ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर पूछा गया, तो स्क्वायर के लिए क्या नंबर हमारा आएगा, +5 ये नंबर देखेंगे, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है फर्स्ट में। सेकंड, बहुपद 3 की घात क्या है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 0, ठीक है ना, कोई पावर नहीं है, 0 होती है। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बहुपद की घात 10 है। तो देखो जहाँ पर एक्स की पावर 10 हो, घात ही होगी ना, सर के बगल में पावर होगी, ठीक है ना, 10, तो किसके साथ है, बी ऑप्शन के साथ है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन 4, x³ - x बहुपद है, तो इसमें एक पद ही हो गया, एक ही हो गया, दो पद हो गए, तो दो पद ही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो थर्ड में भी बी, फोर में भी बी, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है निम्नलिखित में बहुपद को पहचानिए, हाँ या ना लिखिए, बस सोल्व नहीं करना है। तो पहला आपका नहीं है, ठीक है ना, नहीं लिख दो पहले में, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी पावर माइनस में, इसकी पावर भी माइनस में है, तो बहुपद की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला बी, इसमें हाँ लिखना है, ठीक है ना, हाँ ये बहुपद है, कैसे है मैं इधर बता रहा हूँ सोल्व करके। 3x को x से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3x², फिर प्लस पे प्लस लगेगा, 3x का 3 से गुणा होगा, 3 × 3 = 9x, तो ये बहुपद है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी पावर माइनस में नहीं जा रही, ठीक है। तो आपको केवल हाँ या ना में आंसर देना है, तो पहला आपको लिखना है नहीं, ए में लिखना है नहीं, और बी में क्या लिखना है, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखो, क्वेश्चन 6 है, ए देखो बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, शून्य का मतलब इसको बराबर 0 के रखना है। तो ए देखो ये -x है +5 बराबर 0 करेंगे, तो नंबर को 0 के साइड भेजेंगे, तो इधर -x बराबर +5 उधर जाएगा -5, माइनस से माइनस दोनों साइड कट जाएगा, x बराबर क्या मिल गया, 5, तो ये कौन सा आंसर हो गया, ए, ठीक है। अगला बी देखो, बी देखो इसमें क्या करेंगे, 2t है, 2t -5 इसको बराबर 0 के रखेंगे, तो 2t बराबर ये -5 इधर आएगा +5, तो t बराबर आएगा 5/2, ये इसका आंसर हो जाएगा 5/2, बी का आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन 7 देखो, इसका गुणनखंड ज्ञात करना, तो इसका आंसर देख लो, लिख रखा हूँ पहले से। तो इसमें क्या करेंगे देखो, स्टार्टिंग में एक हाइट है, एक का 12 से गुणा करो तो -12 = -12 आएगा। तो नंबर ऐसा चूज करना है कि लास्ट में निशान देखो माइनस है, माइनस करने पर कितना है, बीच का नंबर यानी 4 है, हमारा नंबर हो गया 6 × 2, 6 को 2 से कर रहे हैं 12 आ रहा है, 6 में से 2 घटाने पर यानी माइनस करने पर कितना आना चाहिए, बीच का नंबर 4 आएगा। बस इसी के साथ x ऐड कर लो, 6x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, तो 4x की जगह यही नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया गया, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, ब्रेकर तोड़ेंगे तो x² - 6x - -2x - 12, यहाँ पर ये कंपेयर करेंगे, इसमें जोड़ा बन जाएगा एक हिसाब से, तो इसमें एक्स कॉमन करेंगे तो इन दोनों से भाग करेंगे बारी बारी x² x का, तो x - 6 आएगा। फिर यहाँ पर +2 कॉमन करेंगे, फिर इसमें भाग करेंगे 2x - 12 में, तो x - 6 आएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा, सेम ना समझ लेना आंसर गलत है, ठीक है। तो एक बार x - 6 लिखेंगे, एक बार बाहर का ये x लिखेंगे, और ये +2 एक में कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये गुणनखंड आएंगे दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर एट, 7 हो गया ना, 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित को रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद में वर्गीकृत कीजिए।
तो पहले में पावर कितनी है, सबसे बड़ी पावर देखते हैं, तो पावर तीन है ना, है ना तीन, तो 3x³। तो पावर देखना जो सबसे बड़ी पावर हो, बाकी नंबर से मतलब नहीं है, ठीक है। तो तीन है तो फर्स्ट में आप लिख दो त्रिघाती, त्रिघाती। सेकंड में कोई पावर नहीं है, तो जब कोई पावर नहीं होता तो होता रैखिक, क्या हो जाएगा रैखिक। थर्ड में पावर दो है तो द्विघाती हो जाएगी, इधर लिख दे रहे हैं द्विघाती, ठीक है द्विघाती हो जाएगा। तो फर्स्ट में पावर तीन है त्रिघाती, सेकंड में पावर नहीं है बी में तो रैखिक लिखना, थर्ड में पावर दो है यानी 2x² है तो द्विघाती। अगर मान लो पावर चार आती तो वहाँ पर बहुपद लिखते, अगर पावर पाँच आती, छः आती, सात आती, तब भी बहुपद ही लिखते, ठीक है। त्रिघाती रैखिक द्विघाती का मतलब वहाँ पर नहीं होता। तो ये सामने आंसर है, आप लिख लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 शून्य ज्ञात करना है, तो इसको भी सोल्व कर रखा हूँ, आंसर देख लो एक बार। आंसर नंबर 9 का यहाँ पर भी सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे, नंबर है तो 6 3 18 -18। नंबर ऐसा चूज करना है कि लास्ट में माइनस आए और घटाने पर निशान माइनस का है ना, तो माइनस करने पर 7 आए, ठीक है। तो हमारा नंबर आ जाएगा 9 × 2, 9 को 2 से करेंगे तो 18 आएगा, और 9 में से 2 अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। इसी के साथ एक्स जोड़ने, सॉरी यहाँ वाई की बात हो रही है ना, वाई वाई है तो इसमें वाई ऐड कर लेंगे, वाई और वाई, तो 9y - 2y नंबर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, तो सेम 7y को हटाएंगे बीच में से, 9y - 2y ऐड कर लेंगे, ठीक है। आगे फिर से देखो, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर भी कंपेयर करेंगे इन दोनों में, 6y² - +9y में से 3y कॉमन करेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6y आएगा, ठीक है। ये डिवाइड का मतलब 6y² ऊपर लिख लिया करो ऐसे, और नीचे 3y है, ये 3 × 6 = 2 आ गया, y 2 बार एक कट जाएगा, y आएगा 2y वही आएगा, ठीक है ना। सेम तो ये 2y और फिर 3y को हम 9y में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, y² कट जाएगा, 3 × 3 = 9। अब इधर सेम इसमें -1 कॉमन करेंगे तो 2y - 3 इधर आ जाएगा, -−+ हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा, सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं समझ लो गलत है। तो एक बार हम 2y + 3 लिख देंगे, एक बार बाहर वाला 3y और -1 एक बार लिख देंगे एक ब्रैकेट में, ये दोनों बराबर किसके रखेंगे, 0 के। जब इसको बराबर 0 के रखेंगे तो 2y + 3 इधर आएगा, -3, y - -3/2 आएगा एक, ठीक है ना, 1 0। दूसरा 3y - 1 को इधर बराबर 0 करेंगे, 3y - -1 इधर आएगा +1, तो y = 1/3 ही आएगा दूसरा, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 9 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट देख लो, ठीक है। इसमें गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बहुपद, ये जो लिखा हुआ है इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो, आंसर नंबर 10, इसको भी पहले से सोल्व कर रखा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आंसर नंबर 10 है बच्चों। इसमें देखो एक चीज आपको ध्यान में ये रखना है कि जैसे पहले मैंने x³ लिख दिया यहाँ पर, फिर ये -3x² है, तो बोलोगे ये नंबर कहाँ से है। तो देखो इसमें ध्यान में रखना, हमको एक अपने आप नंबर सोचना है इसको तोड़ने के लिए। तो मैंने 4x² + 4x² कर दिया यहाँ पर इसकी जगह, और क्यों किया, क्योंकि अगर हम इसको इसमें से घटाएंगे 4x² में से एक x² घटाएंगे, 3x² ही आएगा। सेम प्रोसेस इधर भी, -9x है तो हमने इसको लिख दिया क्या, -4x + -5x, क्यों, क्योंकि -4x में -5x ऐड होगा तो 9x ही आएगा, ठीक है ना। ये तो समझ गए ना कहाँ से आया, इसको तोड़ दिया तो ये आया, इसको तोड़ा तो ये आया, स्टार्टिंग का लास्ट का सेम लिख दिया, उसमें कुछ किया नहीं है। आगे देखो यहाँ पर इसमें क्या किया, x² कॉमन किया, तो x² कॉमन करेंगे तो इससे इसमें डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा x + 1। यहाँ पर मैंने इन दोनों में देखो ध्यान से देखना, ये दो का जोड़ा है, ये है, ये है, इसमें मैंने x² कॉमन किया तो x + 1 आया। इसमें इन दोनों में हम क्या करेंगे, -4x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी डिवाइड करने पर x + 1 आएगा, ठीक है ना, x + 1 आएगा। फिर इन दोनों में देखो तो इन दोनों में -5 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी x + 1 आएगा, यानी 5x 5 से डिवाइड करेंगे तो ये x बचेगा, फिर -−+x + 1 आएगा। कहने का मतलब तीनों बॉक्स में देखो सेम आया, यही सेम करने के लिए सोचा गया, ठीक है। आगे देखो, जब तीनों बॉक्स में x + 1 कॉमन हो गया तो तीनों में हम क्या करेंगे, x + 1 आगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर हम आगे इसको कॉमन कर लिए, फिर क्या बचा, x² बचा, -4x बचा, -5 बचा, इसको एक साथ एक बॉक्स में कर लिया। फिर इसका फैक्टर निकालेंगे, सेम फैक्टर कैसे, जैसे अभी किया था, इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, x² - 5x + 1 -5, ठीक है, क्योंकि ये गुणा करने पर
पाँच का यहाँ पर एक हाइट है, तो एक से पाँच आना चाहिए माइनस पाँच, और माइनस से माइनस करने पर चार आना चाहिए। तो पाँच एकम पाँच और पाँच में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा चार। तो यहाँ पर पाँच एक्स आ गया, इसके साथ पाँच एक्स जुड़ा, एक लिखा नहीं जाता केवल एक्स, तो पाँच एक्स प्लस एक्स आया वही, ठीक है ध्यान रखना। तो इसमें भी सेम प्रोसेस, इसमें भी दो दो कंपेयर किया गया, तो यहाँ पर एक्स कॉमन करेंगे तो इससे डिवाइड होगा तो एक्स माइनस पाँच आएगा, इन दोनों में प्लस एक कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस पाँच, तो यहाँ पर भी दोनों बॉक्स में सेम निकलेगा, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, ये एक्स प्लस एक सेम लिखा गया, एक बार एक्स माइनस पाँच लिख दिया गया और एक बार इसके बाहर का यानी एक्स प्लस एक एक बॉक्स में हो गया, तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, गुणन खंड हो गए, ठीक है ना, एक दो तीन ये निकलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए या इसीलिए नहीं लिखना, तो सिंबल ऐसे बना सकते हो, इसीलिए का मैथ में है, ठीक है ना, ऐसे बना देना एक्स प्लस एक एक्स माइनस पाँच और एक्स प्लस एक दिए गए बहुपद के गुणन खंड हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो ध्यान रखना यहाँ पर चेंजिंग जो हुई है, ठीक है, फिर इसमें कॉमन करने के बाद में दो दो का जो हिसाब बना है इसमें कॉमन किया गया, तो ये हमको कॉमन नंबर मिला दोनों में एक्स प्लस एक, एक्स प्लस एक कॉमन करेंगे, ठीक है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो ये बनेगा, फिर ये निकलेगा इन दोनों गुणनखंड, तो ये तीन गुणनखंड हमारे निकलेंगे, ठीक है, ये फैक्टर निकलने के बाद में, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 10 हो गया। इसी के साथ आपकी असेसमेंट 11 कम्प्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।